बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे विशेषण का। तो आइए देखते हैं विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, यहाँ राम संज्ञा है और उसकी विशेषता है बुद्धिमान होना, तो बुद्धिमान शब्द विशेषण है। चाय गरम है, यहाँ चाय की विशेषता है गरम होना और चाय संज्ञा है, अतः गरम शब्द विशेषण हो गया। अग्रिमा के बाल लंबे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ बालों के विषय में बताया जा रहा है कि बाल लंबे हैं, तो लंबे शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। वह नेपाली है, वह जो कि सर्वनाम है और उसकी विशेषता है कि वह नेपाली है, अतः नेपाली हमारा विशेषण होगा। बच्चों, विशेषण को समझने के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि हमें विशेष्य के बारे में भी पता हो। तो देखते हैं विशेष्य क्या होते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, यहाँ राम की विशेषता बुद्धिमान होना है, अतः राम हमारा विशेष्य है। चाय गरम है, गरम शब्द विशेषण है चाय का, यानी चाय की विशेषता बताई गई है, अतः चाय विशेष्य होगा। अग्रिमा के बाल लंबे हैं, बालों की विशेषता बताई गई है लंबाई, तो ऐसी दशा में बाल जो हैं वो क्या हो गए, विशेष्य। वह नेपाली है, वह सर्वनाम है और उसकी विशेषता है कि वह नेपाली है, तो यहाँ पर वह जो है वो विशेष्य है। अब बच्चों हम देखते हैं विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्वभाव, काल, स्पर्श, स्वाद आदि के बारे में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भगत सिंह वीर पुरुष थे, यहाँ भगत सिंह संज्ञा है और उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वे वीर थे, ये उनका गुण था, अतः वीर शब्द क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। रोहन बेईमान है, बच्चों बेईमान यद्यपि दोष है किंतु हम दोष का अध्ययन भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत करते हैं, तो यहाँ पर बेईमान शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। मैंने काली गाय देखी, किस रंग की गाय देखी, काले रंग की, ये रंग सूचक काली शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। प्रिया सुंदर लड़की है, कैसी लड़की है, सुंदर, उसके रूप के बारे में बताया जा रहा है, अतः सुंदर शब्द यहाँ गुणवाचक विशेषण है। मधु का घर तिकोना है, मधु के घर का आकार तिकोना है, अतः तिकोना भी गुणवाचक विशेषण है। बगिया में तरह तरह के फूल खिले, बगिया में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हैं, अतः यहाँ तरह तरह भी गुणवाचक विशेषण है। इसी तरीके से हम आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्वभाव, गंध, स्पर्श आदि का अध्ययन भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत करते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे पिताजी बाजार से 2 दर्जन केले लाए, केले जो कि संज्ञा है और उनकी संख्या दी गई है 2 दर्जन, तो 2 दर्जन जो आप देख रहे हैं
वो हो गए संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। सीता ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये भी संख्याएं होती हैं, अतः प्रथम क्या हो गया, हमारा संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास चार पुस्तकें हैं। मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं, चार, संख्या दी हुई है। घर में तीन कमरे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कमरों के पहले भी संख्या तीन दी हुई है। कक्षा में 40 बच्चे हैं, बच्चों की भी संख्या बता दी गई है, अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। बच्चों संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहला प्रभेद है निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास दो होटल हैं। बच्चों यहाँ संख्या निश्चित दी है और हम विशेष्य को गिन भी सकते हैं, तो गिनने योग्य विशेष है और संख्या भी निश्चित है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बगिया में चार पौधे गुलाब के हैं। आपको बता दिया गया है कि गुलाब के पौधों की संख्या चार है, निश्चित रूप से बता दिया गया, अतः चार निश्चित संख्यावाचक। माँ एक दर्जन चूड़ी लाई। एक दर्जन में 12 चूड़ियाँ, तो संख्या आपको बता रही है कि निश्चित संख्या है और ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण बन गया। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रभेद है अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही विदित हो रहा है कि यहाँ पर संख्या निश्चित रूप से नहीं दी गई होगी। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज के ऊपर कुछ किताबें रखी हैं। बच्चों किताबें हम गिन सकते हैं, संज्ञा भी है, किंतु उसके ठीक पहले हमें निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही, तो ऐसी दशा में कुछ अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। माँ के पास बहुत साड़ियाँ हैं। बहुत साड़ियाँ हैं, साड़ियों को हम गिन सकते हैं, किंतु संख्या निश्चित ना दिए जाने पर बहुत लगा दिया गया है, ऐसी दशा में यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। घर के बाहर कई लोग खड़े हैं। घर के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है, अतः कई शब्द यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आइए देखते हैं विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की नाप, तौल, वजन, परिमाण आदि बताने वाले विशेषणों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है परिमाण का अर्थ क्या है, जहाँ माप और तौल बताई जाए। जैसे 1 किलो आम लेते आना। हमने यहाँ आम की तौल बता दी कि हमें कितने आम चाहिए, 1 किलो। दूसरे उदाहरण में कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। जब हम बाज़ार में जाते हैं बच्चों और कपड़ा खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि हमें इतने मीटर कपड़ा दे दो, तो जब वो मीटर दुकानदार हमें कपड़ा देता है तो मीटर से नाप कर देता है, अतः यहाँ जो 2 मीटर कपड़े की माप है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। कमल 0.5 लीटर दूध लाया। दूध भी हम नाप के लेते हैं लीटर से, और यहाँ बताया जा रहा है 0.5 लीटर, यानी नाप दी गई है, तो 0.5 लीटर भी परिमाणवाचक विशेषण होगा।
बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी पुनः दो प्रभेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण पदों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के निश्चित नाप तौल का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल दे दो, या हमने चावल की तौल निश्चित कर दी है 5 किलो, यानी निश्चित रूप से आप देख रहे हैं हमें कितने चावल चाहिए 5 किलो। फिर है 200 ग्राम शक्कर डिब्बे में है, यहाँ भी पूरी निश्चित मात्रा बता दी गई है कि डब्बे में 200 ग्राम शक्कर है। पानी की टंकी 15 फुट गहरी है, यहाँ टंकी की गहराई भी बता दी गई है कि वह 15 फुट गहरी है। तो ऐसी दशा में 5 किलो चावल, 200 ग्राम शक्कर, 15 फुट गहरी टंकी, ये सभी क्या हो गए? निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित नापतौल का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पोटली में कुछ चावल हैं, चावल की मात्रा, चावल की तौल निश्चित नहीं है, कुछ है, तो ये कुछ क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर हम कह रहे हैं पतीले में थोड़ा तेल है, तेल जो कि हम लीटर के हिसाब से लेते हैं, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है कितना तेल है, तो यहाँ जो थोड़ा आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक बन गया। गमले में थोड़ी मिट्टी डाल दो, कितनी मिट्टी डाल दे नहीं पता, हमें मात्रा नहीं बताई गई है, अतः ये थोड़ी मिट्टी भी क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। बच्चों आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को लेकर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे होते हैं जिनके विशेष गिने तो जा सकते हैं किंतु निश्चित संख्या नहीं दी होती, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जहां हम विशेष्य को तौल सकते हैं, उसकी माप ले सकते हैं, किंतु उसके पहले माप या तौल की मात्रा निश्चित रूप से नहीं दी होती। अब हम विशेषण का चौथा भेद देखते हैं, सार्वनामिक, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह देते हैं। जैसे यह गुब्बारा ऋचा का है, हम देख रहे हैं संज्ञा के पहले यह आया है और यह संकेत भी दे रहा है कि यह ऋचा का है, ऐसी दशा में यह जो है संकेतवाचक विशेषण है। इस टोकरी को रखो, किस टोकरी को रखो? इस टोकरी को रखो, हमने संकेत दिया, इशारा दिया कि इसी को रखो, और हम देख रहे हैं कि संज्ञा के ठीक पहले लगा हुआ है सर्वनाम, तो ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। हमारा घर उधर है, किधर है? हमने बता दिया संकेत करके कि उधर है, ऐसी दशा में घर के ठीक पहले जो आप हमारा सर्वनाम दे रहे हैं वो सर्वनाम नहीं अपितु सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों आपको बिल्कुल संदेह नहीं करना, इसको और अच्छे से समझते हैं सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर। हम सभी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह खेलने जाता है, वह यहाँ पर संज्ञा हो सकती थी किंतु हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया।
अब सार्वनामिक क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं अथवा संकेत करते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का खेलने जाता है, लड़का जो कि संज्ञा है और उसके पहले वह लगा है जो कि सर्वनाम है और बता रहे हैं कि वही खेलने जाता है, तो ऐसी दशा में यह वह सार्वनामिक विशेषण बन गया। आइए आप देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण यानी विशेषण के पहले भी कुछ लगा है। देखते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत बेईमान है, बेईमान खुद ही एक विशेषण शब्द है और उसके पहले भी हमने बहुत जोड़ दिया, तो ऐसी दशा में बहुत हो गया प्रविशेषण, यानी विशेषण के पूर्व भी कुछ तो लगा है। मैंने अत्यंत भयानक सपना देखा, भयानक खुद ही एक विशेषण है और उसके पहले भी हमने बता दिया अत्यंत भयानक, ऐसी दशा में ये अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता को बता रहा है। कपिल का कुर्ता थोड़ा छोटा है, छोटा विशेषण शब्द है और हमने उसके पूर्व थोड़ा लगा दिया, तो विशेषण की भी विशेषता हो गई थोड़ा और यहाँ थोड़ा बन गया प्रविशेषण। तो आइए अब देखते हैं आज की कक्षा में आपने क्या क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, हमने सबसे पहले यही पढ़ा। फिर हम आए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। तत्पश्चात हमने विशेषण के चार भेदों का अध्ययन किया। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक के भी दो प्रभेद थे निश्चित और अनिश्चित। तीसरा परिमाणवाचक, इसके भी दो प्रभेद थे निश्चित और अनिश्चित। फिर था सार्वनामिक विशेषण, जिसमें कि मैंने आपको बताया ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। और आखिर में हमने पढ़ा जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों आज के पाठ पर आधारित हम थोड़ा सा अभ्यास भी कर लें। देखते हैं अभ्यास कार्य। कहा जाता है कि हम जब किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमें उस कार्य में कुछ समय पश्चात कुशलता प्राप्त हो जाती है। कहा भी जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो देखते हैं मैंने अभ्यास में आपके लिए क्या लिखा है। प्रत्येक विशेषण और विशेष्य के रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। विशेषण सुहावना, कठोर, पंजर, निर्मल, सांवली, रंग बिरंगे, और मैंने विशेष्य दिए हैं भूमि, स्त्री, फूल, मौसम, हृदय, जल। आपको इनका सही मिलान करना है, सही जोड़े बनाने हैं, तो आप इसे अच्छे से करें। आशा करती हूँ आपको ये करने में कठिनाई किंचित नहीं होगी। दूसरा अभ्यास कार्य भी है बच्चों आपके लिए, देखिए क्या है। रेखांकित विशेषण को पहचान कर आपको विशेषण भेद का नाम लिखना है। मेरे घर के सामने छायादार वृक्ष है, छायादार। कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ। बाल्टी में थोड़ा पानी बचा है, थोड़ा। विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी है, विदेशी।
मुझे 2.5 मीटर की चुनरी दे दो। 2.5 मीटर? रोहन अभी बहुत मासूम है। बहुत? माँ ने 5 किलो नींबू का अचार डाला। 5 किलो? नींबू का नाम सुनते ही पानी आ गया। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, 3, तो जो ये आप छायादार, कुछ थोड़ा विदेशी, 2.5 मीटर बहुत, 5 किलो और 3 जो रेखांकित पर देख रहे हैं, इनको पहचान कर आपको उचित विशेषण भेद लिखना है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपको आपकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।